दिल्ली वर्सेस कोलकाता 47वां आईपीएल टी20 मैच जो कि खेला जाएगा ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में 29 अप्रैल शाम 7:30 बजे। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि कैसी रहेगी पिच रिपोर्ट, क्या रहेंगे वेन्यू रिकॉर्ड्स, कैसा रहेगा हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, क्या रहेगी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, और वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि प्लेयर जो आज के मैच में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, तो इस वेन्यू की पिच आपको बैटिंग फ्रेंडली नेचर की देखने को मिलेगी, काफी हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले हैं, ब्लैक सॉइल रहेगी उसकी वजह से आप देखेंगे तो कुछ पेसर्स को भी थोड़ी बहुत बाउंस मिलेगी, और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा तो स्पिनर्स भी रोल में आते चले जाएंगे, क्वालिटी स्पिनर्स परफॉर्म कर सकते हैं इस वेन्यू पे। टीमें टॉस जीत के चेस करना पसंद करेंगी, रीजन है ड्यू फैक्टर। इस वेन्यू पे खेले गए आप देखेंगे तो टोटल 86 मैचों में आप 35 मैच फर्स्ट बैटिंग करने वाले ने और सेकंड बैटिंग करने वाले ने 51 मैच जीते हैं। आप एवरेज स्कोर देखेंगे तो 180 प्लस का दिखेगा। दोनों टीमों ने टोटल मिलके 32 मैच खेले हैं जिसमें से दिल्ली 15 और कोलकाता 16 मैच जीती है, एक मैच का रिजल्ट नहीं आया है। लास्ट 10 मैचेस में टोटल 111 विकेट गिरे हैं जिसमें से 67 पेसर्स को और स्पिनर्स को 44 विकेट मिले हैं। इस वेन्यू पे खेले गए मैचेस के रिकॉर्ड देख सकते हैं, कोलकाता और पंजाब के बीच मैच था जिसमें से कोलकाता एक 261 बनाई थी 6 विकेट के नुकसान पे, पंजाब 262 बनाई थी 2 विकेट के नुकसान पे, और 8 विकेट से मैच आसानी से जीत गई थी। दोस्तों इस मैच में आपने देखा होगा शशांक सिंह और जॉनी बैरिस्टो ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। दूसरा मैच आप देखेंगे तो कोलकाता और राजस्थान के बीच था जिसमें से कोलकाता 223 पे 6 विकेट थे और राजस्थान 224 बनाई थी 8 विकेट के नुकसान पे, राजस्थान 2 विकेट से मैच जीत गई थी। दोस्तों तीसरा मैच देखेंगे तो कोलकाता और आरसीबी के बीच था, कोलकाता 222 बनाई थी 6 विकेट के नुकसान पे, आरसीबी 221 बनाई थी ऑल आउट हो गई थी और केकेआर 1 रन से ये मैच जीत गई थी। दोस्तों आप तीनों ही मैचों में देखोगे तो 225 प्लस स्कोर बना है और काफी अच्छी बैटिंग फ्रेंडली पिच रही है, और आज के मैच में भी उम्मीद करता हूँ कि 225 के ऊपर ही रन बनेंगे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहे और मेरी भी थोड़ी बहुत मदद हो सके। दोस्तों बढ़ते हैं एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की तरफ। दिल्ली की तरफ देखेंगे डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ या फ्रेजर में कोई भी आपको ओपनिंग करते दिख सकते हैं। उसके बाद ऋषभ पंत, रिस्टन स्टॉप, अक्षर पटेल, सुमित कुमार की जगह हो सकता है कि साई होप या अभिषेक पोरल खेलने को मिल जाए आपको। उसके बाद कुलदीप यादव, खलील या अहमद, मुकेश कुमार, ईशान शर्मा, ये रहेगी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 दिल्ली की तरफ। कोलकाता की तरफ देखेंगे तो फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण ओपनिंग कर सकते हैं। फर्स्ट डाउन हो सकता है वेंकटेश अय्यर आ जाए या रघुवंशी भी आ सकते हैं। उसके बाद श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रमनदीप सिंह में कोई एक खेलेगा। उसके बाद रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, मिचेल स्टार्क हो सकता है आज का मैच खेले, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, ये रहेगी केकेआर की तरफ एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11। दोस्तों बढ़ते हैं अब रिकॉर्ड्स की तरफ। दिल्ली की तरफ देखेंगे तो ऋषभ पंत 15 मैचों में 364 रन हेड टू हेड में, वेन्यू पे 6 मैच 166 रन है, और रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो 29, 88, 44, 16, 41, 1, 55, 51, 28 और 18 इस आईपीएल में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मस्ट पिक होंगे दिल्ली की तरफ से। से होप की बात करते हैं, लास्ट मैच में 41 रन बनाया था, हालांकि वेन्यू पे और हेड टू हेड पर रिकॉर्ड नहीं है, ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक जरूर रहेंगे। अभिषेक पोरल की बात करते हैं, ये भी 36 रन बनाए थे लास्ट मैच में, उसके पहले 0, 42, 15, 0, 41, 0, 9, 32। अभिषेक पोरल कभी भी मैच में एक अच्छा नॉक खेल के दे सकते हैं, काफी कम प्लेयर इनको पिक करते हैं लेकिन एक बेस्ट चॉइस जरूर रहेंगे। केकेआर की तरफ देखेंगे, फिलिप सॉल्ट 1 मैच 18 रन हेड टू हेड पे, वेन्यू पे 5 मैच 276 रन है, रीसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो लास्ट मैच में 75, 48, 10, 89, 0, 18, 30 और 54, ओवरऑल अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं केकेआर की तरफ से, मस्ट पिक रहेंगे। गुरबाज टीम में जगह नहीं मिल पा रही है फिलिप सॉल्ट के चलते, अगर टीम में जगह मिलती है तो ये भी एक अच्छी पिक जरूर होंगे। विकेट कीपर सेक्शन में आप ऋषभ पंत और फिलिप सॉल्ट एक मस्ट पिक होंगे, आप साई होप या अभिषेक पोरल में किसी एक को चूज कर सकते हैं, कोई भी परफॉर्म करके जा सकता है दिल्ली की तरफ। केकेआर बैटिंग सेक्शन में श्रेयस अय्यर, हेड टू हेड 3 मैचों में 114 रन है, वेन्यू पे 12 मैच 331 रन है, एवरेज 29 का देखने को मिलेगा। रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो 28, 50, 11, 38, 34, 18, 39 और 0, एक ही 50 रन का नॉक आया है।
ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं, वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा है आज के मैच में। उम्मीद है अगर बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा पहले आते हैं तो अच्छा स्कोर खड़ा करके केकेआर की तरफ दे सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में आएंगे तो काफी अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस है, सेकेंड इनिंग में प्रेशर चलते हो सकता है कि अपना विकेट जल्दी खो दें। ओवरऑल ठीक ठाक पिक जरूर रहेंगे। वेंकटेश अय्यर लास्ट मैच में 39 रन। आप वेंकटेश अय्यर को देखेंगे तो आईपीएल में लास्ट मैच में 39 रन से पहले 5 मैच में फ्लॉप थे, फिर 150 आई और ओवरऑल एक ठीक ठाक प्लेयर है, कभी भी किसी भी बैड सिचुएशन में परफॉर्म कर सकते हैं। वेन्यू पे 12 मैच में 206 रन है, हेड टू हेड में 6 मैच 98 रन है। वेंकटेश अय्यर थोड़ी बहुत बॉलिंग करा लेते हैं, हालांकि इनको बॉलिंग जा रही है आईपीएल में, ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक जरूर रहेंगे। रिंकू सिंह देखेंगे तो इस आईपीएल में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है और 19 मैचों में 393 रन है। वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है और हेड टू हेड में 3 मैच 55 रन है। हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत खराब है रिंकू सिंह का। बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, अगर टीम में मौका मिलता है तो आप अपनी 2-4 टीमें बनाते हैं तो एक टीम में जरूर प्रेफर कर सकते हैं रिंकू सिंह को, हालांकि जैसे प्लेयर है उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। नीतीश राणा देखेंगे तो हेड टू हेड में 14 मैच 381 रन है, वेन्यू पे 26 मैच 688 रन है। फिट है, पता नहीं आईपीएल में क्यों नहीं इनको जगह मिल पा रही है, ओवरऑल एक अच्छे प्लेयर जरूर रहेंगे। रघुवंशी देखेंगे तो वेन्यू रिकॉर्ड 40 रन है और हेड टू हेड पे 1 मैच में 54 रन इसी वेन्यू पे आया है, ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक जरूर रहेंगे। अगर बैटिंग ऑर्डर आता है इनका एक सही प्लेस पे और खेलने का इनको काफी बॉल मिलती है, मौका मिलता है तो जरूर परफॉर्म करके दे सकते हैं। केकेआर बैट्समैन सेक्शन में 2 प्लेयर मस्ट रहेंगे, एक रहेंगे श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर एक मस्ट पिक रहेंगे, रिंकू सिंह, नीतीश राणा या रघुवंशी, तीनों में से किसी एक को अपनी टीम में ले सकते हैं, तीनों ही बेटर प्लेयर हैं। दिल्ली बैट्समैन सेक्शन में डेविड वार्नर 15 मैचों में 664 रन है, वेन्यू पे 3 मैच 129 रन है। रिसेंट परफॉर्मेंस 1, 8, 10, 18, 52, 49 और 29 रन की है, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है लास्ट 3-4 मैचों से, ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक जरूर रहेंगे। वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा है और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है, उम्मीद करता हूँ आज के मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे, मस्ट पिक जरूर होंगे। पृथ्वी शॉ वेन्यू रिकॉर्ड खराब है, 61 रन बनाए हैं 4 मैचों में, हेड टू हेड में 10 मैच 415 रन है, हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी अच्छा है, वेन्यू भी बैटिंग फ्रेंडली है, हो सकता है आज के मैच में अच्छा परफॉर्म कर जाएं। लास्ट मैच में आप देखेंगे रिसेंट परफॉर्मेंस में 11, 16, 7, 32, 66, 10 और 43। पृथ्वी शॉ या डेविड वार्नर कोई भी परफॉर्म करता है दिल्ली की तरफ से तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक हाई स्कोरिंग मैच रहेगा। जब भी ये दोनों प्लेयर साथ में परफॉर्म करते हैं तो इस तरह के बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पे आप देखेंगे कि दोनों में से कोई एक अच्छा परफॉर्म करता है और आप देखेंगे पावर प्ले में ही अच्छा स्कोर खड़ा करके दे सकते हैं अपने टीम को। और आप देखेंगे कि फर्स्ट इनिंग में अगर दिल्ली की बैटिंग आती है तो उम्मीद करता हूँ कि 225 के ऊपर ही रन बनेंगे, उस कंडीशन में पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर या फ्रेजर का चलना एक कंपल्सरी रहेगा। फिर दोस्तों बात करते हैं फ्रेजर की, लास्ट मैच 84 रन, बहुत गजब की परफॉर्मेंस, उससे पहले 23, 65, 20 और 55 तीन पिट्टियां मार चुके हैं, हालांकि इस वेन्यू पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिला है इनको। आज देखिएगा काफी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है फ्रेजर के बल्ले से, फास्ट बॉलिंग को काफी अच्छी तरीके से खेलते हैं और आज के मैच में एक ये कैप्टन वाइस कैप्टन की सेफ चॉइस जरूर रहेंगे। टिस्टन स्टब देखेंगे तो इसी वेन्यू पे 54 रन बनाए हैं इन्होंने लास्ट मैच में 48, उससे पहले 26, 10, 0, 15, 71, 54, 0, 44 ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस कही जाएगी इनकी और 2 विकेट भी इस आईपीएल में ले चुके हैं। ओवरऑल देखेंगे तो फ्रेजर एक सेफ पिक रहेंगे, क्रिस्टल स्टर्म मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, डेविड वार्नर पृथ्वी शॉ में रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग डेविड वार्नर को आप ले सकते हैं और पृथ्वी शॉ भी एक अच्छी च्वाइस जरूर रहेंगे। रिपीट करता हूँ, फ्रेजर और क्रिस्टल स्टर्म सेफ च्वाइस रहेंगे, डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ में किसी एक को पिक कर सकते हैं। यश धूल आप इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 7 और 43, रिकी भुई 0-3 और स्वास्तिक चिकारा मौका नहीं मिला है, अच्छे बैट्समैन हैं, अगर टीम जगह देती है इनको तो हो सकता है आज के मैच में ये भी परफॉर्म करें अगर इनकी बैटिंग आती है तो, ये तीनों ही प्लेयर आपको बेंच प्लेयर देखने को मिलेंगे। दोस्तों कोलकाता के ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं, आंद्रे रसल इस वेन्यू पे आप देखेंगे तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, 34 विकेट लिए हैं 34 मैचों में और 775 रन बनाए हैं, हेड टू हेड में 12 मैच 16 रन है और 374 रन है, बैटिंग से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं और बॉलिंग भी देखेंगे तो कभी भी बंडल्स में विकेट निकाल के
दे सकते हैं, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी ठीक ठाक प्राइस हो सकते हैं आज के मैच में, ओवरऑल एक सेफ पिच रहेंगे। सुनील नारायण काफी इंप्रेस कर रहे हैं अपनी बैटिंग से, लास्ट मैच में 71 रन, और बॉलिंग से भी देखेंगे हर मैच में विकेट जरूर निकाल के दे रहे हैं। इस वेन्यू पे 41 विकेट निकाला है और हेड टू हेड पे 15 विकेट भी निकाल रहे हैं, काफी अच्छी चॉइस रहेंगे। और वाइस कैप्टन कैप्टन की एक अच्छी चॉइस भी हो सकते हैं, अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो सेफ प्लेयर रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की। रमनदीप अब देखेंगे तो इस आईपीएल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और कंटिन्यूअसली मौका मिलने के बाद भी ना ये बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना बैटिंग से, बिल्कुल भी पिक करने लायक प्लेयर नहीं है। अंकुल रॉय भी आप देखेंगे तो वेन्यू पे एक ही विकेट मिला है और हेड टू हेड में 2 विकेट है, परफॉर्म करने के चांसेस इनके कम रहते हैं, हो सकता है कि बहुत बैड कंडीशन में इनको बैटिंग और बॉलिंग के चांसेस मिले। ओवरऑल ये भी सेफ पिक नहीं रहेंगे, केकेआर की तरफ रसल और सुनील नारायण एक अच्छी पिक जरूर रहेंगे। दिल्ली ऑलराउंडर सेक्शन में देखेंगे कि हो सकता है कि आज गुरबदीन नायब मौका मिल सकता है मिशेल मार्श के एब्सेंट रहने के, उसमें हो सकता है रिसेंट परफॉर्मेंस इनकी बैटिंग से उतनी अच्छी नहीं है, बॉलिंग से भी अच्छी नहीं है, पर ये मीडियम पेस बॉलर है अफगानिस्तान के, कभी भी बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओवरऑल मीडियम पेस बॉलर है और जब भी विकेट निकाल के देते हैं तो बंडल्स में देते हैं, तो ओवरऑल एक अच्छी पिक हो सकते हैं आपके आज के मैच में, डिपेंड करता है टीम इनको मौका देती है या नहीं। अक्षर पटेल देखेंगे तो हेड टू हेड में 8 विकेट है, वेन्यू पे एक ही विकेट है, बैटिंग से एक बड़ा नॉक आया था 66 रन का, वो भी उस कंडीशन में जब इनको बैटिंग ऑर्डर पहले मिला था, और विकेट में देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक ओवरऑल अच्छे पेपर रहेंगे इस वेन्यू पे, हालांकि इतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, फिर भी बैटिंग बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूट करने के रीजन से हो सकता है आज के मैच के में अच्छा परफॉर्म कर जाए, ओवरऑल एक सेफ पिक रहेंगे। ललित यादव इस वेन्यू पे 2 विकेट लिए हैं, हेड टू हेड पे 4 विकेट है, बैटिंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं और 2 ही विकेट निकाले हैं, ओवरऑल एक अच्छे प्लेयर हैं, हालांकि अभी फॉर्म में नहीं है, जब भी इनको मौका मिलेगा हो सकता है कभी भी बड़ा नाम खेल के दे सकते हैं, और इनका बैटिंग ऑर्डर हो सकता है ललित यादव का अक्षर पटेल से पहले हो, उस कंडीशन में ललित यादव एक सेफ पिक हो सकते हैं। सुमित कुमार ना बैटिंग से ना बॉलिंग से परफॉर्मेंस है, बिल्कुल भी सेफ पिक नहीं रहेंगे। डीसी के ऑलराउंडर सेक्शन में अक्षर पटेल एक सेफ पिक रहेंगे, गुलबदीन और ललित यादव में किसी एक को पिक कर सकते हैं जिसको भी मौका मिले। केकेआर के बॉलिंग सेक्शन में मिचेल स्टार्क, वेन्यू पे 4 विकेट है, हेड टू हेड 2 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस 1-0, 3-0, 2-0, 0, अगर आज के मैच में खेलते हैं तो एक ठीक ठाक पिक रहेंगे, हालांकि इस आईपीएल में जिस हिसाब के प्लेयर हैं उस हिसाब से परफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं, तो आप चाहें तो अपने टीम में लें या ना लें, एक विकेट की मैं उम्मीद रखता हूं इनसे, ओवरऑल ये ठीक ठाक पिक रहते हैं। वरुण चक्रवर्ती इस वेन्यू पे 16 विकेट हैं, स्पिन कराएंगे, अच्छा कराएंगे, लाइन लेंथ से कराएंगे, और जब भी विकेट निकालेंगे बंडल्स में, आज के मैच में उम्मीद करता हूं इनको 1 या 2 विकेट आराम से निकाल के देंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है, 14 विकेट है, सेफ पिक जरूर रहेंगे। हर्षित राणा इस वेन्यू पे 11 विकेट है, हेड टू हेड 1 विकेट है, देखेंगे तो जब भी ये विकेट निकालते हैं बंडल्स में विकेट निकाल के देते हैं, ओवरऑल एक अच्छी चॉइस जरूर रहेंगे। वैभव अरोड़ा कंटिन्यूअसली मैच में अगर आप देखेंगे तो मौका नहीं मिल रहा है इनको, हो सकता है अगर आज के मैच में मौका मिलता है तो ठीक ठाक पिक जरूर रहेंगे, हर मैच में कोई ना कोई विकेट जरूर निकाल के देते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर का, वेन्यू पे 7 विकेट है और हेड टू हेड पे 3 विकेट है, ठीक ठाक पिक रहेंगे। दुश्मन चमीरा आप देखेंगे लास्ट मैच में इनको परफॉर्मेंस अपनी देने का मौका मिला था, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, पर श्रीलंका के अच्छे प्लेयर हैं, कभी भी बंडल्स में विकेट निकाल के दे सकते हैं। केकेआर बॉलिंग सेक्शन में हर्षित राणा सेफ पिक रहेंगे और वरुण चक्रवर्ती सेफ पिक रहेंगे, बाकी मिचेल स्टार्क वैभव अरोड़ा में किसी एक को पिक कर सकते हैं, और दुश्मन चमीरा भी एक सेफ पिक रहेंगे, अच्छे प्लेयर हैं और डिपेंड करता है इनके मैच की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और कभी भी बंडल्स में विकेट निकाल के दे सकते हैं। डीसी बॉलिंग सेक्शन में देखेंगे कुलदीप यादव 23 विकेट है इस वेन्यू पे, आज के मैच में उम्मीद कर रहा हूँ कम से कम 2 विकेट जरूर निकाल के देंगे, हेड टू हेड में 10 विकेट है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी काफी गजब का है इनका, और इस आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। खलील अहमद ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट निकाल के देने वाले प्लेयर है, और वेन्यू पे भी 7 विकेट है, हेड टू हेड पे भी 8 विकेट है, अच्छी पिक रहेंगे। ईशांत शर्मा वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, हेड टू हेड में 5 विकेट है, जब भी निकाल रहे हैं इस आईपीएल में बंडल्स में विकेट निकल रहे हैं इनके, और इम्पोर्टेंट विकेट निकाल के दे रहे हैं, हालांकि मैच में खेलने के चांसेस इनके काफी कम हैं। मुकेश कुमार देखते हैं तो हर मैच में बंदा परफॉर्म करके दे रहा है, वेन्यू पे भी 17 विकेट है और हेड टू हेड में भी 1 विकेट है,
2 साल में इतना इम्प्रूवमेंट बहुत कम बॉलर्स में देखने को मिलता है और मुकेश कुमार उनमें से एक है, मस्ट पिक होंगे। एंड्रिक नॉर्किया मैच खेलते हैं तो ठीक ठाक पिक जरूर रहेंगे, हालांकि वेन्यू पे इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। हेड टू हेड में 13 विकेट जरूर निकाले हैं, बैटिंग फ्रेंडली पिच है और बाउंसर कराते हैं ज्यादातर, ये आप शॉर्ट पिच गेंदें आएंगी पर इनकी पेस रहेगी, उस कंडीशन में देखेंगे तो छक्के चौके पड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सेफ पिक मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं रहेंगे अगर टीम में मौका मिलता है। विलियम लिजर्ड हालांकि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। राशिद सलमान देखेंगे तो भाई इन्होंने अचानक से आए और 3-3 विकेट निकाल के दिया और पूरी ग्रैंड लीग की टीम को इधर से उधर कर दिया है। पता नहीं आज के मैच में मौका मिलता है कि नहीं, ओवरऑल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग तो ये बंदा सेफ लग रहा है। डीसी बॉलिंग सेक्शन में मुकेश कुमार, कुलदीप और खलील अहमद, ये तीनों प्लेयर सेफ रहेंगे। बाकी राशिद सलमान और लिदार्ड विलियम्स में किसी एक को पिक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार अगर ईशांत शर्मा खेलते हैं उस कंडीशन में और खलील अहमद 4-4 ओवर कंप्लीट कराएंगे, रिमेनिंग ओवर अक्षर पटेल में डिवाइड हो सकता है और डेथ ओवर में खलील अहमद, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा बॉलिंग करा सकते हैं। बाकी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में कोई भी प्लेयर आ सकता है परफॉर्म करने के लिए डेली में। केकेआर की तरफ देखेंगे, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, मिचेल स्टार्क और आंद्रे रसल, ये 4-4 ओवर कंप्लीट कराएंगे, मिचेल स्टार्क खेलते हैं तो पक्का कराएंगे, वरना वैभव अरोड़ा भी करा सकते हैं। रिमेनिंग ओवर सुनील नारायण में जाएगा, हो सकता है रमनदीप भी 1-2 ओवर जगह करा के दे। डेथ ओवर में देखेंगे तो आंद्रे रसल, हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क या मिचेल स्टार्क की जगह वैभव अरोड़ा, तो रसल और हर्षित राणा कंफर्म कराएंगे। दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं की प्लेयर की तरफ, की प्लेयर में देखेंगे तो डेविड वार्नर, पृथ्वी स्वामी कोई एक चलेगा, सब एक यहाँ पे का अगर आप देखेंगे तो फ्रेजर एक मिसिंग है, फ्रेजर अगर आज का मैच खेलते हैं तो पक्का है, कंफर्म है टीम में रहेंगे। ऋषभ पंत, क्रिस्टन स्टॉप, अक्षर पटेल, कुलदीप में कोई एक आज हो सकता है अच्छी बॉलिंग कराए, खलील अहमद, मुकेश कुमार कंफर्म है, ईशांत शर्मा टीम में जगह मिलती है तो 1 विकेट की गुंजाइश मैं इनसे रखता हूँ आज के मैच में। केकेआर की तरफ फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण में हो सकता है दोनों परफॉर्म कर जाएं, पर दोनों आज दिल्ली की बॉलिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो स्पिनर्स के खिलाफ भी स्ट्रगल कर सकते हैं और मुकेश भी अच्छी बॉलिंग कराते हैं, खलील अहमद भी मैं आप देखेंगे पावर प्ले में मोस्टली विकेट निकाल के दे सकते हैं, उस कंडीशन में दोनों एक में से कोई एक प्लेयर चलेगा। श्रेयस अय्यर अच्छी पिक रहेंगे, रिंकू सिंह और नीतीश राणा, हालांकि दोनों के खेलने के चांसेस कम है फिर भी अगर दोनों को चांसेस मिलता है तो दोनों बेटर चॉइस रहेंगे वेंकटेश अय्यर से, तो दोनों में से नजर बनाए रखिएगा। आंद्रे रसल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, ये रहेगी केकेआर की तरफ से की प्लेयर। दिल्ली की टीम मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो केकेआर के लिमिटेड प्लेयर ही आपको रखने हैं और ये वो प्लेयर हैं जो रेगुलर परफॉर्म करके देते हैं, हालांकि नीतीश राणा और रिंकू सिंह इस आईपीएल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। दोस्तों नीतीश राणा को तो मौका नहीं मिल रहा है लेकिन मुझे उम्मीद है अगर आज के मैच में मौका मिलता है बड़ी हिट्स देखने को मिलेगी, काफी अच्छा बंदा खेलता है T20 में और बस यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो परफॉर्मेंस तभी आएगी जब इनको मौका मिलेगा, तो जैसे ही मौका मिलता है आपको अच्छी पिक देखने को मिलेगी इनकी और अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। रीजन ये हो सकता है कि श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी में हो सकता है कि अच्छा इनकी टीम में जगह ना मिल रही हो, 4 ओवरसीज प्लेयर रखने हैं, बाकी कुछ ऑलराउंडर भी अपनी टीम में रखने होते हैं, उस हिसाब से हो सकता है कि नीतीश राणा को टीम में जगह ना मिले। इंजरी इनकी काफी इम्प्रूव हो चुकी है और अब ये इंजर्ड में नहीं गिने जा रहे हैं, फिट हैं, अब डिपेंड करता है नीतीश राणा और इनके कोच और इनकी टीम की सिचुएशन पर। दोस्तों प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर अपडेट्स मिलती रहे और मेरी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है डेमो टीम का, डेमो टीम में मैंने आपको देखिए पहली विकेट कीपर सेक्शन में पंत और फिलिप सॉल्ट को मैंने दोनों टीमों में रखा है, पहली टीम में साई होप को मौका दिया है, आप चाहें तो पोरेल को भी मौका दे सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में स्टब, श्रेयस अय्यर और मैंने फ्रेजर को मौका दिया है, ऑलराउंडर में मैंने रुपल नारायण और बॉलिंग सेक्शन में मैंने कुलदीप, हर्षित राणा और मुकेश कुमार को मौका दिया। दूसरी टीम में मैंने भी बैटिंग सेक्शन में स्टब, श्रेयस अय्यर और फ्रेजर को ही रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन मैंने अक्षर पटेल को बढ़ाया है और सुनील नारायण मैंने टीम में रखा है, और देखेंगे कि आप कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और मुकेश कुमार को बॉलिंग सेक्शन में रखा है, एक खलील अहमद भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
दोस्तों तो बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। फ्रेजर कैप्टन के लिए अच्छी चॉइस रहेंगे। सुनील नारायण जैसी परफॉर्मेंस आ रही है उसके अकॉर्डिंग ईडन गार्डन पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आंद्रे रसल और ऋषभ पंत, फिलिप सॉल्ट, ये पांच प्लेयर ऐसे हैं जो कैप्टन वाइस कैप्टन की सेफ चॉइस रहेंगे। बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तो दो प्लेयर हैं जिन पे नजरें कम रहेंगी। एक कुलदीप यादव, जब भी विकेट निकालेंगे बंडल्स में, और मुकेश कुमार, तीन तीन विकेट 3 बार निकाल चुके हैं इस आईपीएल में। वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा है, 17 विकेट निकाल लें। उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो मुकेश कुमार भी रहेंगे, काफी कम लोग इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन करेंगे, और कुलदीप यादव पे भी बहुत कम लोगों की नजरें रहेंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले मैच में।